बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फिफ्थ, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट, यूनिट फोर, ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन। हमारे पास है डिमास, ठीक है। डिमास रूल होता है हमारे पास, एक डी इज फॉर डिवीजन, डिवाइड के लिए, एम इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, ए इज फॉर एडिशन, एड, एंड एस इज फॉर सब्ट्रैक्शन, माइनस, ठीक है। ये हमारे पास, ये इसके जो है मीनिंग आगे आपकी जो एक्सरसाइज है 4.1 यूजिंग द डिमास रूल, ठीक है। हमने इसको यूज करना है और क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास 16 प्लस 14 प्लस मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4, क्या करेंगे? सबसे पहले जो है देखें, डिवाइड देखें इसमें नहीं है, तो सेकंड क्या, मल्टीप्लाई अगर है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 70 70। उसके नीचे नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा 16 प्लस 70 प्लस 4। अब देखें इसमें नेक्स्ट क्या है, ऐड है, ठीक है। तो ऐड करेंगे, पहले हम कहते हैं 16, इसको कहते हैं 70 प्लस 4 को करते हैं तो 74 आ जाएगा, ठीक है। ऐड किया, फिर 16 प्लस 74 को करेंगे तो हमारे पास आंसर 90 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 85 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3। अब देखिए एक डिवाइड है और एक प्लस है, तो पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया 85 को 5 के साथ तो 17 आंसर हमारे पास आया। तो पहले क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, 85 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3, इसको जब डिवाइड किया 17 प्लस 3, और जब 17 प्लस 3 करेंगे तो 20 आंसर आ गया, ठीक है। एक स्टेप में आपने एक काम करना है, अगर प्लस, अगर पहले डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, फिर आपके पास मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। एक स्टेप में आपने सिर्फ एक क्वेश्चन, एक मतलब उसको साइन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, 12 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 सॉरी मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 माइनस 3। तो इसको पहले डिवाइड करना है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। 12 को जब 2 के साथ डिवाइड किया 6 आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय, और सारी वैल्यू उसी तरह से उतारी, मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 माइनस 3, 6 6 का 36 आ गया, ठीक है, प्लस 4 माइनस 3, और 36 प्लस 4 किया तो 40 आ गया, माइनस 3 आंसर हमारे पास 37। नेक्स्ट है आपके पास 88 प्लस 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा, पहले क्वेश्चन को रिपीट किया, 2 3 जा 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद ऐड करना है, 8 प्लस 9 किया तो 17, 17 में से फिर माइनस 6 करेंगे तो 11 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 63 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4। पहले क्या करेंगे, डिवाइड, तो डिवाइड किया 63 को जब 7 के साथ किया तो 9 आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन को पहले रिपीट किया तो क्या आ गया हमारे पास, जब इसको डिवाइड किया 9 आ गया, ये 7 जो है उसी तरह से उतरा। फिर 9 नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 9 3 जा 27 माइनस 4 उसी तरह से उतरा, फिर क्या होगा, 27 माइनस 4 किया तो हमारे पास आ गया 23 इज आंसर। नेक्स्ट है 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। अब देखे पहले रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है, 6 2 जा 12 प्लस 1 किया और 13 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4। पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है, 36 को 2 के साथ किया तो हमारे पास 18 आंसर आ गया, ठीक है। तो 18 आंसर आया, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद किया 5 प्लस 18 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जार हमारे पास क्या होता है, 54 होता है, ठीक है, 54 होता है, तो 5 प्लस 54 माइनस 4, फिर ऐड करेंगे, 5 प्लस 54 किया 59 माइनस 4 किया तो 55 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, 16 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 माइनस 40। तो पहले डिवाइड करते हैं, 16 को डिवाइड किया 2 पे 8 आ गया, सारी वैल्यू उसी तरह से रही। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास मल्टीप्लाई है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 30 आ गया, 8 प्लस 30 प्लस 2 माइनस 40, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 8 प्लस इस तरह से कर दें, 8 प्लस 38 प्लस 2 इसी तरह से रहा माइनस 40। नेक्स्ट जो है ये आ गया हमारे पास 38 प्लस 2 40 माइनस 40, तो प्लस और माइनस क्या हो गया, ये 40 और ये 40 आपस में कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 55 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 10। तो पहले डिवाइड करेंगे, 55 को 5 के साथ डिवाइड किया तो 11 आ गया, तो प्लस 7 प्लस 3 माइनस 10 11, और इसको जब 7 3 से क्या आ गया, 21 आ गया, 11 प्लस 21 माइनस 10, इन दोनों को प्लस करेंगे 32 माइनस 10, तो आंसर 22 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, 70 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 10 7 से 70 आ गया। क्वेश्चन को रिपीट किया,
इसको किया तो 7 आ गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आंसर 35 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, 42 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5, पहले करेंगे डिवाइड तो 5 थ्री जब 15 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद यहाँ पे क्या किया हमने, 3 राइट किया, माइनस 42 माइनस 3 आ गया तो आंसर हमारे पास 39 आ गया। नेक्स्ट है 60 माइनस डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2, पहले इसको डिवाइड करते हैं, 12 5 जा 60 होता है, तो क्वेश्चन को रिपीट किया तो यहाँ पे क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2, ठीक है। 5 3 जा नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 क्या आ गया हमारे पास 13, इसका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।